हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो गला बज गया है आज, क्योंकि कल थोड़ा बहुत हम चिल्ला दिए थे ज़्यादा। तो देखिए आज हम क्या पकौड़ी हम बनाएंगे, इसको हम लोग बजका भी यहाँ बोला जाता है। तो यहाँ देखिए कद्दू हमने काट लिया है और एक चम्मच नमक डाल के इसमें और पानी में 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और यहाँ देखिए बैंगन है तो इसका भी आज हम पकौड़ी ही बनाएंगे। और यहाँ देखिए चना दाल है तो चना दाल को हम इसमें डाल देंगे ग्राइंडर में और पीस लेंगे इसको। और यहाँ हो गया हरी मिर्च, यहाँ जीरा और काली मिर्च है, ये लहसुन है एक जमा। तो अब हम इसको ना पीस लेंगे सारे को ही, ताकि हम बचका कैसे इसका बनाएंगे दिखाते हैं हम आपको। और यहाँ पर हम देखिए मिर्चा के भी कटिंग कर लिए हैं, क्योंकि हम इसको भी बेसन में ही फ्राई करेंगे। तो इसमें पानी वानी तो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन देखते हैं ये बात। और हमने चावल का आटा पहले से ही देखिए तैयार कर लिए हैं इसमें डालने के लिए। तो देखिए इसमें थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, क्योंकि देखिए एकदम सूखा सूखा है, बस ज़्यादा पानी नहीं डालना है, फिर गीला हो जाएगा ये। तो देखिए हमारे यहाँ पर मसाला और दाल दोनों पीस चुके हैं। अब इसमें हम ना हल्दी डालेंगे और जो हम क्या बोलते हैं चावल का आटा है इसको भी हम इसी में यूज करेंगे। अब हम देखिए इसमें तेल डाल देंगे थोड़ा सा, और मैं इसमें पहले बड़ी निकाल लूँगी, बड़ी छान करके आज हम कढ़ी बना रहे हैं। तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पर बेसन ना घोल चुके हैं, और देखिए इसको बड़ी हम बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमने पानी भी गर्म कर दिया है, देखिए हमें तेल एकदम गर्म हो चुका है। और थोड़ा क्या करें, बेसन थोड़ा मैं ज़्यादा अच्छी हो गया है, पानी डला गया है। देखिए जो हम पीसे थे इसको, तो इसको हम निकाल लेंगे। हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, इन सबको। और हाँ यहाँ है आटे का चावल, चावल का आटा है, आटे का चावल नहीं है। देखिए देखिए यहाँ बड़ी एकदम तैयारी हो चुका है, क्या करें बारिश हो रही है ना, तो सोचे आज कुछ खाया जाए, टाइम पास किया जाए। तो रविवार है, हम लोग का भी छुट्टी है आज। तो सुबह से उठे तो सारा घर का एकदम पूरा कपड़ा लता जितना था तो साफ किए घर द्वार। अब इन सबको हम एकदम मिक्स कर लेंगे। अब देखिए मैं इसको अच्छे से ना मिक्स कर लिए हैं, नमक में सब डला चुका है, हल्दी वल्दी जितना सब था सब हम डाल चुके हैं इसको इसमें। थाली मेरा डांस कर रहा है, देखिए वाह ब्रेक डांस कर रहा है क्या जी, थाली जी लगता है ब्रेक डांस हो रहा है देखिए। और यहाँ देखिए मेरे बड़ी भी तैयार हो चुके हैं, तो अब इसको हम निकाल लेंगे।
इस पानी में हम डाल देंगे इसको। तो देखिए मैं तेल भी गर्म है और देखिए हम यहाँ पर अब डालेंगे इसको बैंगन को। पहले बैंगन फ्राई करेंगे इसमें हम, फ्राई इसको हम लोग बटका बोलते हैं। देखिए इसमें जो कद्दू हम काटे थे और नमक के पानी में डाल दिए थे 10 मिनट, तो देखिए यहाँ पर इसको हम निकाल लेंगे। बजकावा बोनी खाइए हमार सैया। देखिए मैं झारखंड के, तो मुझे हिंदी और भोजपुरी दोनों ही आता है, तो दोनों में मिक्स कर देती हूँ। शायद आप लोग को अच्छा लगे या ना लगे तो कमेंट बताइएगा कि हम हिंदी और क्या बोलते हैं भोजपुरी एक में ही मिक्स कर देते हैं, तो कमेंट में बताएगा। अगर अच्छा लगेगा तो मैं भोजपुरी और इन दोनों का भी और झारखंड का भी हमको बोली आता है, हम लोग झारखंड में दूसरे तरह से बात करते हैं, भाई लोग हम लोग दादा बोलते हैं। अब देखिए मैंने पलट दिया है एक बार, ये हो चुका है इधर दूसरी तरफ। अब तेल ज़्यादा नहीं डालना है, तेल एकदम थोड़ा थोड़ा डाल के बनाना है। तब तक हम यहाँ पर इसको मैश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें बैंगन का बैग एकदम बन करके कुरकुरे एकदम तैयार है। थोड़ा सा तेल और डालेंगे इसमें। और ये है कद्दू। हम अब इतना ही रहने देंगे, फिर दूसरे राउंड में इसको हम डालेंगे। यहाँ देखिए बैंगन बच गया था, इस बैंगन को भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तेरे मेरी होठों पे मीठे मीठे गीत मीठे वार, तेरे मेरी होठों पे मीठे मीठे गीत मीठे वार, आगे आगे चले पीछे पीछे मीठे वार, आगे आगे चले हम पीछे पीछे ही तेवा। इसको हम पलट देंगे, एक तरफ से हो चुका है। देखिए यहाँ पर अब हम इसको मीडियम आंच पर पकाएं, क्योंकि कद्दू है तो कद्दू थोड़ा पकने में देर लगता है। पहार करे लप 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 लप, पहार करे झप 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 झप, बोली में तहार तारा नवा तारा नवा, देखी के लोग आवा दीवाना बा दीवाना बा, बार तो हर करे झप 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 झप, उम तो हर करे लप 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 लप, बोली में तोहार तारा रवा तारा रवा, देखी के लोग आवा दीवाना बा दीवाना बा। इसको मीडियम आंच पर कर देंगे, पकाएंगे इसको 2 मिनट, इसमें पकेगा बस कद्दू पक जाएगा। और एक और है पकाने का, जैसे आलू आप काट दिए, चाहे बैंगन काट दिए, कद्दू काट दिए, कुछ भी, तो बैंगन तो नहीं उबलता है, लेकिन आप आलू और कद्दू को उबाल सकते हैं हल्का, वो भी एकदम हल्का, ज़्यादा नहीं हम उबाले नहीं, क्योंकि हम मीडियम आँच पर पकाएंगे इसको।
और यहाँ जो हम मिर्चे काटे थे तो इसको भी इसमें डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे पकौड़ी बनकर तैयार है। देखिए ना लाल हो चुका है। मैं ससुराल की जाऊंगी, डोली रख दो सहारो। ये भी तो बरसात का दिन है तो हम बरसात वाला ही गाना गा लेते हैं। बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में मैं घर से निकल आई, बोतल भी उठा लाई। अभी पीना हो तो जीने में दो, जीने में दो, थोड़ी बरसात में पीने में दो। अभी पीना हो तो जीने में दो, जीने में दो, थोड़ी बरसात में पीने में दो। मैं सब्जी वाला लेके पक गया है। अब ये क्या किया जाए इसको? सूखे में चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी, याद बहुत सताएगी तो मैं क्या करूँगी। सूखे में चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी, याद बहुत सताएगी तो मैं क्या करूँगी। तो देखिए ये भी मेरा हो गया है। देखिए ना वाह, एकदम कुरकुरे टाइप का है देखिए। और यहाँ देखिए पक भी गया है, थोड़ा गर्म है अभी, गर्म हाथ से बर्दाश्त नहीं होता है हमको उतना। और ठंडा हो रहा है तो दिखाते हैं हम आपको। और फिर एक राउंड और थोड़ा सा इसे डालेंगे। तो डांस कर रहा था थाली में मेरा बेसन। तो बुआ तो रुआ गई बस ससुर जाएंगे बस सामने हाल रहा। इतना तो ब्रेक डांस करबो तो तरह के छोड़े के बनी पहले में तो जा के पड़ी तरह। और दर्शकों लोग अगर हम कुछ गलत बोल दिए होंगे तो उसके लिए सॉरी। हंसने वाला आदमी है बहुत, हम दिन भर हंसते और हंसाते रहते हैं। बोले कि कॉमेडियन के हम मास्टर हैं, क्या करें। अगर हम कॉमेडी बना बना इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर डाले थे ना तो औरों की तरह हम भी आज फेमस हो जाते हैं। इसके बिना नींद नहीं आती थी रात में। बसल बड़ा में पकाई तहरा के पिप में ले जाए। चलिए दिखाते हैं हम आपको यहाँ पर। देखिए एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, देखिए एकदम तेल भी ज़्यादा नहीं है। और कद्दू देखिए एकदम मेरा पक चुका है। खा के देखते हैं इसको। मस्त है एकदम, एकदम कुरकुरे की तरह बना है। बेचारो जो खरीदते हैं पैकेट में दुकान से वैसा बन गया। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये भी दो राउंड हमने फुल्का बनाया है कद्दू का और बैंगन का। आज का देखिए मेरा रेसिपी एकदम तैयार है बन करके। और आप लोग बनाइए खाइए और कमेंट में हमको बताइए कि कैसा है मेरा आज का। बजका कहिए आप लोग या पकौड़ी कहिए। तो अब देखिए मैं ना यहाँ पर कढ़ी छमकूंगी। देखिए कढ़ी के लिए हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिए हैं। सॉरी दोस्तों, ज़रा सा गलती हमसे हो गया है। देखिए हमने मिर्चा को भी इसमें फ्राई करना था लेकिन हम भूल चुके हैं। तो एक मिनट मैं इसको भी फ्राई पे कर लूँगी, सारी चीज़ें को निकाल लूँगी इसमें से।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी आज पकौड़ी बनकर एकदम तैयार है और यहाँ पर मिर्चा हमने उबाला है और इसमें हम थोड़ा सा चावल का आटा भी डाले थे। तो आप लोग घर पर बनाइए, बना के खाइए, खा के कमेंट में बताइए कि आज का मेरा रेसिपी कैसा था। तो चलिए हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।